राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह अपने एक दिवसीय प्रवास पर सीधी पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय उच्च विश्राम गृह में केंद्र सरकार के 4 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। विधायक केदार शुक्ल सभा में किए गए जवाबों पर भड़क गए और अनर्गल शब्दों का प्रयोग करने लगे। जब सभा में यह प्रश्न किया गया कि भाजपा किसान विकास यात्रा निकाल रही है, वहीं कांग्रेस किसान न्याय यात्रा निकाल रही है, लेकिन जिले के किसान आज भी संतुष्ट नहीं है। किसान रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चे के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर बिथिका भवन परिसर में अनशन कर रहे हैं। जवाब राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह से चाहा गया था, लेकिन बीच में हस्तक्षेप कर सीधी विधायक केदार शुक्ल भड़क गए। इस बात से यह लगने लगा कि विधायक को सिर्फ अपने सरकार का बखान सुनना अच्छा लगता है, और इस अवसर पर लालचंद गुप्ता, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू, नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश सिंह, जिला किसान संगठन भाजपा मौजूद थे। सीधी से अजय पांडे की रिपोर्ट।